आज हम फिनल का नया टॉपिक पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी तक हमने उसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे थोड़ा सा। आज हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में अगर हम देखें तो फिनॉल क्या है, प्योर फिनॉल्स आर आइदर कलरलेस, लिक्विड और सॉलिड, बट दे यूजुअली गेट कन्वर्टेड इनटू पेल ब्राउन कलर बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। कह रहा है कि इसमें जो फिजिकल स्टेट है उसमें प्योर फिनॉल जो होते हैं आइदर कलरलेस भी हो सकते हैं लिक्विड के फॉर्म में और सॉलिड भी हो सकते हैं, बट दे यूजुअली गेट कन्वर्टेड इनटू पेल ब्राउन। बट वो क्या कह रहा है कि ये पेल ब्राउन कलर में कन्वर्टेड हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन करने पर। सॉलिबिलिटी की बात करें तो फिनॉल्स आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत हल्के से वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मोस्ट फिनॉल्स आर एक्सपेरिमेंटली इन सॉल्युबल इन वाटर। वो कह रहा है कि जो मोस्ट फिनॉल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटली इनसॉल्युबल होते हैं, ज्यादातर मतलब इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। लिमिटेड सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल्स इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर OH ग्रुप। OH ग्रुप जो पोलर होने के कारण उसकी लिमिटेड सॉल्युबिलिटी होती है फिनॉल्स की वाटर में। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फिनॉल आर हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड हार्डन्स। वो कह रहा है कि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हायर होते हैं औरों की अपेक्षा। जैसे C2H5 OH का 455 होता है, C6H5Cl का देखो 405। अभी देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा इसी का दिख रहा है, C6H5CH3 का 384 है, C6H6Benzene का 353, और यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा इसी का दिख रहा है, फिनॉल का दिख रहा है, ठीक है। अब आगे केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जाते हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ड्यू टू फिनॉलिक ग्रुप, एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल। फिनॉल का जो एसिडिक नेचर होता है देखो उसका कंसेप्ट के दिख रहा है, 10 to 8 तक, 10 to 10 तक। स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स, ये सारी उसकी प्रॉपर्टी दिख रही है। और अगर हम फिनॉल की जो एसिडिक नेचर की प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर फिनॉल की रिएक्शन हम NaOH के साथ यानी बेस के साथ करा सकते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ठीक है ना। ONa ग्रुप दिख रहा होगा और सोडियम फिनेट भी बोलते हैं इसको, प्लस H2। फिनॉल्स सॉल्ट डिकम्पोज विद एक्वस मिनरल्स एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड टू गिव फिनॉल्स। देखिए सोडियम फिनॉक्साइड अगर रिएक्शन करती है H2O CO2 यानी कार्बोनिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो देखो आगे फिनॉल मिल रहा है हमें और आगे देखो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल